एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के सामने, क्योंकि सोच सकारात्मक है इसलिए अगर कोई कठिनाई आती है तो उसमें से वो अवसर खोज लेता है, अपॉर्चुनिटी। वही एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई अवसर आता है, क्योंकि सोच नकारात्मक है इसके वो अवसर में भी कठिनाई खोजता है। और इन शब्दों को अगर सिंह राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो मई 2024 के महीने में ये शब्द सफलता की गारंटी बन जाएंगे, इसलिए सकारात्मक सोचिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मई 2024 राशिफल, वो भी सिंह राशि स्पेशल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, कौन सी शुभ डेट्स है। फिर हम बात करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप की, स्टूडेंट और लर्नर की, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए कैसे बने मई, इसके मैं विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान में वृषभ राशि में आ जाएंगे। 10 मई से बुध 9th हाउस मेष राशि में रहेंगे। 14 मई से सूर्य 10th हाउस वृषभ राशि में। 19 मई से शुक्र 10th हाउस वृषभ राशि में। 31 मई से बुध 10th हाउस वृषभ राशि में। यानी कर्म और पिता के घर में ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। प्रिय साथियों, आप हो, मैं हूं, आम खास कोई भी हो, महीने में 2-4 दिन जब भी सिंह राशि से चंद्रमा 4th, 8th, 12th जाएंगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स देते हैं, टेंशन डिप्रेशन देते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उथल पुथल आ जाती है और आलसी लेट लतीफी कुछ कर गुजरने की तमन्ना खत्म हो जाती है। इसलिए जब ये वक्त आए तो वक्त रहते अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी कड़ी में 5 और 6 मई को 8वें रहेंगे, 13, 14, 15 मई को 12वें और 23, 24 मई को 4थ रहेंगे। अब अलर्ट रहने के साथ साथ मेरे पास शुभ डेट्स काफ़ी सारी हैं। 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 और 31 मई को गुरु चंद्रमा का केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 5-6 मई को 8th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। 10 से 13 मई तक 9th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। 10 से 18 मई तक 9th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 19 मई से कर्म स्थान में गुरु शुक्र का शंख योग। 19 मई से कर्म स्थान में मालव योग और इस पूरे महीने 7th हाउस में शश योग। यानी सिंह राशि वाले लोगों की प्लैनेटरी पोजीशन बहुत शानदार, इसी से हमने आपके राशिफल की तैयारी की है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 अप्रैल को दिल्ली हूँ, 28 अप्रैल मुंबई, 29 और 30 अप्रैल को मैं लखनऊ रहूंगा, 4 और 20 मई को दिल्ली, 5 मई भोपाल, 11 और 25 मई को मुंबई, 12 मई नागपुर, 18 मई अहमदाबाद, 19 मई बड़ौदा सूरत और 25 मई को मैं पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनल मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। आइए सिंह राशि वाले लोगों के बिजनेस एंड वेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस हाउस में ही शश योग है और वो अपनी डिग्री से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आयरन, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। लाइजनर्स के लिए बड़ी अच्छी डील आने वाली है। व्यापार मजबूत और अच्छी प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा, इसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति का बड़ा आशीर्वाद रहेगा। 10 मई से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देने वाले बुध का व्यापार भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध बनने वाला है, जिससे जो लोग किसी प्रकार का आईटी से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम से जुड़े हुए हैं, नई ऊंचाई पर आप पहुंचने वाले हैं। आपको इतना ध्यान देना है कि राहु बुध का जड़त्व दोष कॉमन सेंस के घर में और राहु मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, जिससे पार्टनरशिप को संभालना है। परिवार के लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप करें तो कुछ तकलीफ आ सकती है, इसी वजह से पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, लीगल अवेयरनेस न रखना, टैक्स लाइबिलिटी या लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, क्योंकि राहु 12th हाउस को देखते हैं। आप अपने बिजनेस को या कोई प्रीमिसेस खरीदने के लिए या कोई नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए कोई भी खर्चा करने जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन देश विदेश यात्राएं करेंगे, नए ऑर्डर टेंडर पे काम करेंगे, बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। केतु धन भाव को देखते हैं, इसलिए सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। देखिए 19 मई से कर्म स्थान में गुरु शुक्र का शंख योग है, तो अगर आप पति हैं तो पत्नी की सलाह मानिए, पत्नी है तो पति की सलाह मान के सही इन्वेस्टमेंट करिए। आपको कोई टीचर, कोच, मेंटर अच्छी सीख दे सकता है। पिता की सलाह और माँ का आशीर्वाद आपके इतना काम आएगा, इसमें एक मजा आ जाएगा। मालव योग आपके कर्म स्थान में शंख योग भी है, जिस वजह से फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलोन, जिम से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। फैशन, पैशन, हॉबीज में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ अच्छा इंटीरियर करवाने वाले, जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस महीने में जो मिड के बाद अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति का बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि 5वीं दृष्टि से धन भाव को, पैसा जोड़ना, रुके हुए पैसे को प्राप्त करना, सुख सुविधाओं पर धन खर्च होंगे, कर्जा चुका पाएंगे, लेकिन दुश्मन भी व्यापार के या कॉम्पिटिटर्स एक्टिव होने वाले हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बोल्ड डिसीजन लेने होंगे।
बिजनेस में नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज धमाका मचा देंगे। इसलिए आप इस महीने सकारात्मक सोच रखिए, जो शुरुआत में कहा था ये समय आपका है। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देवताओं के गुरु बृहस्पति कर्म स्थान बैठकर छठे घर जो कि जॉब के लिए भी माना जाता है वहां पर इनकी नवमी दृष्टि है। जॉब चेंज या जॉब में कोई और चेंज करना चाहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन की जॉब की तलाश अब पूरी होने वाली है। आपको यात्राएं करने के मौके मिलेंगे और जन्म स्थान से दूर या जिस जगह पर अभी हैं वहां से किसी और जगह पर आपके ट्रांसफर या परिवर्तन होगा। बिना रिसर्च के डेवलपमेंट नहीं करें क्योंकि अंगारक दोष है। इससे गुस्सा आकर या किसी प्रकार के तैश में आकर या कोई भी ऐसी मूर्खता आपसे हो सकती है, गलती हो सकती है जिससे आपकी जॉब जा सकती है। अपने आसपास के कर्मचारियों के साथ आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और उनको सिर्फ अपनी तकलीफें बताइए। आपके अचीवमेंट सुनकर आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके बच्चे खुश हो सकते हैं, बाकी दूसरे लोग आपके दुख से ही सुखी हैं। 14 मई से सूर्य का छठे भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन आपका शानदार रहेगा। खुशी मिलेगी और पैसा भी आएगा जिससे परिवार के साथ ट्रैवल कर पाएंगे और आप फोकस सिर्फ अपने काम पर करिए। अपने जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाना है और वीकनेस को घटाना है। अपनी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर आगे बढ़ोगे तो और लोगों के लिए आप मिसाल बन जाएंगे। जितने भी लोग सलाहकार हैं, मैनेजमेंट COO हैं या किसी प्रकार ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अब बात करते हैं केतु की। सबसे पहले देखिए केतु की पांचवी और नौवीं दृष्टि। ये पांचवी दृष्टि जॉब पर और कर्म स्थान पर है। गुरु की भी दृष्टि है जिस वजह से आपके साथ छलावा हो सकता है। विरोधी एक्टिव रहेंगे जैसे मैंने पहले भी कहा था और आप कोई गलती करने वाले और गलती ही आपको नुकसान देगी। इसलिए आप ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करें जिससे आपके दुश्मनों को मौका मिल जाए। छठे भाव की लॉर्ड शनि सेवंथ हाउस में अपने से 2-12 का संबंध भले ही बना रहे लेकिन अपने से नीचे कर्मचारियों से बहुत अच्छे ढंग से पेश आना है। उनकी मदद करोगे तो प्रोफेशनल छवि आपकी अच्छी रहेगी। जितने भी लोग डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर्स है उनको नए क्लाइंट मिलने वाले हैं। मार्केट को देखकर ही आपको ट्रेंड को सेट करना चाहिए। आलस्य आपको बड़ा नुकसान देगा, इससे बचना है। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए महीने की शुरुआत से 18 मई तक गुरु शुक्र का 2-12 का संबंध रहेगा जिस वजह से आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए संघर्ष हो सकता है। आप जब भी अपने लिए कुछ बात करेंगे झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो अभी 19 मई तक शांत रहे और 19 मई से कर्म स्थान में गुरु शुक्र का शंख योग, परिवार और बच्चों से आपको बहुत खुशी मिलेगी। मालव योग बनेगा, आपका हुनर यानी टैलेंट बाहर आएगा। दाम्पत्य जीवन का तनाव दूर होगा, खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है। रोमांच और रोमांस एंटी एजिंग सप्लीमेंट आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन अष्टम स्थान का मंगल, बुध और राहु जड़त्व और जो अंगारक दोष है वो आपको गुस्सा बहुत देगा। आप कोऑर्डिनेशन बिठाने में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे, इस पर ध्यान देना है। महिलाओं को अपने पीहर से कुछ बुरे कोई समाचार मिल सकते हैं, कोई तकलीफ आ सकती है, उनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। जब महिलाएं अपने पीहर की बात करेगी तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, तो एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए, समझने के बाद रिएक्ट करना चाहिए वरना वाद और विवाद बढ़ जाएगा। बच्चे बहुत अच्छे परिणाम लाकर आपको रिटर्न गिफ्ट देने वाले, आपने बड़ी मेहनत की है। इसके अलावा घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में कोई विघ्न आएगा, खर्चों को लेकर लड़ाई झगड़ा होगा इस महीने, इस पर आपको थोड़ा सा एडवांस प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। 10 से 18 मई तक भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण योग है। जितने लोग इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई के अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर मनी जनरेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। जी और नीट की तैयारी करने स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है। 19-22 से शुक्र का कर्म स्थान में स्वग्रह होना, प्यार, इश्क और मोहब्बत आपके शिक्षा और करियर को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए गैजेट्स और जो पार्टनर, हमारे जो लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ आपको एक लिमिट तक ही समय देना चाहिए वरना आपके काम अटक जाएंगे। राहु की पांचवी दृष्टि 12th हाउस पर है जिससे अब्रॉड में पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं या कोई और काम के लिए जा रहे हैं तो आप वीजा के लिए या कोई फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप गलती करने वाले हैं और बाद में आप पछताएंगे। इसलिए कोई भी टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, अलर्ट रहिए। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति का पंचम स्थान से षडाष्टक दोष है परंतु फिर भी केंद्र में है गुरु, इसलिए केंद्र में हो तो 100 अरिष्टों का नाश कर देते हैं। आप अपने टास्क एजेंडा यानी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, ये लक्ष्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्य आपका है तो रास्ते आपको तय करने पड़ेंगे। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। 4 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 8th हाउस में अंगारक दोष पुराना रोग वापस दे सकता है। रोग तो 10% रहेगा, सोच के 100% आप उसे कर लेंगे। गाड़ी चलाते समय लापरवाही और किसी से झगड़े में कोई तकलीफ आ सकती है। केतु की जो सातवीं दृष्टि है वो भी अष्टम स्थान पर है और छठे घर पर भी है, इस वजह से कोई ऑपरेशन ड्यू है तो हो सकता है। हाई या लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ आ सकती है, सीने में दर्द आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक, अच्छी नींद और साथ में योग और प्राणायाम, यही आपको खुश रख सकते हैं। अपनी गाड़ी किसी और को चलाने न दें,
किसी और की गाड़ी लेकर ट्रैवल न करें, नुकसान हो सकता है। अब यादगार और शानदार कैसे बने मई, इसके विशेष उपाय। 10 मई अक्षय तृतीया पर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। पुष्पों को जो पुष्पों की माला है वो मंदिर में जाकर अर्पित करिए। गरीब लोगों को भोजन करवाइए और अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी खरीदारी, स्पेशली सोने की खरीदारी आपके लिए शुभ है। घर की बहन बेटी माँ पत्नी किसी को सोने की चीज गिफ्ट देना बहुत शुभ रहेगा। 16 मई श्री जानकी नवमी पर रामचरितमानस के श्री राम सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करें और श्री रामाय नमः इसकी एक बार जाप करें। 19 मई मोहिनी एकादशी पर भगवान मदन गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाएं। ओम क्लीम ब्राह्मणे जग दधराय नमः इस मंत्र का एक बार जाप करने से राधा कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। मेरे प्रिय सिंह राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा करियर नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।